घर घर जाकर शौच को साफ करने वाली उषा चौमर ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उन्हें पद्मश्री सम्मान मिलेगा। उषा चौमर 18 साल पहले घरों में मल उठाने का काम करती थी। लोग इनकी परछाई से भी दूर भागते थे, लेकिन करीब 1.5 दशक बाद समय पलट गया। राजस्थान के अलवर के हजूरी गेट में रहने वाली उषा चौमर को पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा गया। सोमवार को उषा चौमर को पद्मश्री सम्मान प्राप्त होने के बाद से इनसे हर कोई मिलना चाहता है। दिल्ली में राष्ट्रपति से पद्मश्री प्राप्त करने के बाद अलवर लौटी उषा चौमर का जगह जगह स्वागत हुआ। 2003 से पहले मैला ढोने वाली उषा चौमर सुलभ इंटरनेशनल संस्थान के संपर्क में आई। इसके बाद खुद ने मैला ढोना छोड़ दिया, साथ ही इनके साथ अनेकों महिलाओं ने मैला उठाना छोड़ दिया। अब सभी महिलाएं सुलभ इंटरनेशनल संस्थान में अचार बनाना, सिलाई जैसी काम करती है। वहीं अब 115 महिलाओं ने मैला का काम छोड़कर सिलाई, अचार बनाने जैसे काम काज सीखने के साथ दूसरी महिलाओं को प्रेरित कर रही है। उषा चौमर ने बताया कि पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने के बाद लोगों को यह संदेश देना चाहती हैं कि महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा मिले। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी स्वयं की बेटी को उन्होंने ग्रेजुएशन कराया और शिक्षा की बदौलत समाज में बदलाव आएगा। सरकार के सफाई अभियान से जुड़ता हुआ काम रहा तो उन्हें पहले सफाई गिरी अवार्ड भी मिल चुका है। उषा कई देशों की यात्रा भी कर चुकी हैं। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया। उषा चौमर के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 नौकरी करते हैं। उन्होंने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी बदल जाएगी। घरों में मैल साफ करने वाली को कई बड़े अवार्ड मिल जाएंगे और हर कोई उसे आंखों पर बैठाएगा।